मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वालों ने तुमको है देखा, वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, यह अंगूरी पानी नहीं है, नहीं है यह अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है, नहीं है हमें दुनिया का कोई डर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, शाम मेरे शाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे
का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले शाम। मुकुट की शोभा निराली, प्यारी सूरत भोली भाली, बड़ा पावन बड़ा पावन है वृंदावन धाम, ओ मेरे अलबेले श्याम। दे दो अपने चरणों में ठिकाना, मन का मंदिर बन जाए बरसाना, रवि करता मेरे शाम, रवि करता रहे गुणगान, ओ मेरे अलबेले श्याम।
मुरलीधर कृष्ण कन्हैया बांसुरी वादक रास रचैया जय हो गिरिधर जय गोपाला हे नटवर नागर गिरधारी जय गोविंद माधव हे मुरारी जय हो चक्र सुदर्शन धारी देव की नंदन जय घन श्याम वासुदेव के प्यारे श्याम नंद बाबा की आंख के तारे श्यामल तन पीतांबर धारी सोलह कला के तुम अवतारी ब्रज के बिहारी हे बनवारी जय हो नटवर नागर नंदा मोहन मदन मेरे गोविंदा मोर मुकुट मकरा कृति कुंडल हे मुकुंद हे माखन चोर तेरा है तीनों लोक में शोर कारागार में लिए अवतार खुल गया कारागार का ताला सो गया पहरा देने वाला वासुदेव की खुली जंजीर काली रात घन घोर अंधेरा बिजली चमके बादल घेरा यमुना की बहती जलधार यमुना जी लगी चरण पकड़ने नदी का पानी लगा है बढ़ने वासुदेव कहीं डूब न जाए यमुना कान्हा को पहचानी चरण को छू कर घट गया पानी वसुदेव यशोदा के पास में आए अवतार लिए बंदी गृह गोकुल में किए वास देवकी को दर्शन दिए गए यशोदा के पास नंद महल में बाजे बधाई किलकारी मारे कृष्ण कन्हाई कंस ने जब देवी को पटका बोली माँ जन्मा तेरा काल पल रहा गोकुल में नंदलाल मरेगा अब मुझे मारने वाला कंस बात सुनकर गुस्साया मारने को पूतना पठाया पूतना माया का रूप बनाई कृष्ण के पास में पूतना आई देख के कान्हा को मुस्काई गोद में लिया पहुँच के पास अति भयानक रूप बनाई कान्हा को अपना दूध पिलाई दूध पूतना का पिए मुरारी पूतना वध किए नभ में जाके धरा पे गिर गई गगन से आके जुट गए गोकुल के सब ग्वाल कृष्ण की देख के अद्भुत लीला सबका चेहरा खुशी से खिला मात यशोदा गोद उठाई वृंदावन में गैया चराते बैठ कदम पे मुरली बजाते ग्वाल बाल संग दही चुराते गोपियाँ उलाह न रोज सुनाती माँ यशोदा के पास में आती गली गली में मच गया शोर गुरु गृह पढ़ने को चले कन्हाई अल्प काल विद्या सब पाई संदीपन गुरु किए बढ़ाई कंस के भेजे असुरों का कृष्ण ने किया संहार अपने हाथों मार के असुरों को दिए तार
नरकासुर उत्पात मचाया, नारियों को बंदी बनाया। पापी ने कृष्ण को जब ललकारा, कृष्ण ने नरकासुर को बंदी गृह से नारी छुड़ाए, अत्याचार से मुक्त कराए। इंद्र का प्रभु जी तोड़े गुमान, इंद्र की पूजा बंद कराया। देवराज को गुस्सा आया, वरुण को बोले जल बरसाओ, मेघ गोकुल में प्रलय मचाया। कान्हा ने नहीं देर लगाया, गोवर्धन उंगली पे उठाए, ग्वाल बाल प्रभु सबको बचाए। गोवर्धन गिरधारी कहाए, इंद्र ने हार की स्वीकार, निर्बल के बल है मेरे श्याम, पूरे करते सबके काम। श्री कृष्ण है विघ्न विनाशक, सत्य के पक्ष में लड़े लड़ाई, कृष्ण करे भक्तों की भलाई। साधु संतन के रखवाले, कंस क्रूर उत्पात मचाया, बहुत से असुरों को आजमाया, फिर भी कृष्ण को मार न पाया। कंस ने कृष्ण पे किया प्रहार, हाथों में लेकर तलवार, कृष्ण ने तनिक न देर लगाया। मथुरा में ही कंस को मारे, दुष्ट मार संतों को तारे, कारागार से सबको छुड़ाए, कृष्ण के हाथों जो मरा हुआ उसका उद्धार। पापी कंस को मार के प्रभु किए भव पार, संत जनों के हैं रखवाले, दुष्टों को मार गिराने वाले। शांति का मार्ग कृष्ण अपनाए, जरासंध अति अत्याचारी, किया संग्राम कृष्ण से भारी, किया आक्रमण सत्रह बार, जरासंध पे क्रोध में आए, भीम के हाथों से मरवाए, कृष्ण के पग नीचे पाताल, गगन पवन प्रभु में ही लय है, जब भी चाहे महाप्रलय है, सारी सृष्टि ही कृष्णमय है। सूर्य विराजे कृष्ण के भाल, कृष्ण का रूप अति विकराल, कृष्ण से जन्म सभी पाते हैं। कान्हा का ब्रज धाम निराला, जहाँ प्रभु ने डेरा डाला। ब्रज परिक्रमा 84 कोस, ब्रज भूमि मेरा सिर चाए, राधे के संग नाचे गाए, बरसाने की छटा मनोहारी, वृंदावन का धाम निराला, बांसुरी जहाँ बजाए गोपाला। मधुबन में प्रभु नाचे गाए, नंद गांव गोकुल मन भाए, जहाँ पे कृष्ण जी दही चुराए। यमुना का भी तट है निराला, श्रृंगार वन में श्रृंगार रचाए, प्रेम गली में प्रेम सिखाए। राधे कृष्ण कुंड अति सुंदर, परम ब्रह्म परमेश्वर है जीवन का आधार, वही पाते श्री कृष्ण को जिनके उच्च विचार।
गोप गोपियों की संग ले टोली, गुलाल कुंड पे खेले होली। कोयल वन कोकिल वन आए, चिंता हरण महादेव का धाम। दर्शन से बने बिगड़े काम, ब्रज परिक्रमा चंद्रमा मंदिर। लक्ष्मण मंदिर चरण पहाड़ी, साक्षी गोपाल की शोभा न्यारी। वन खंडी में शिव का मंदिर, नौह झील जल महल महावन। मिटे पाप करने से भ्रमण, 365 कुंड चार सरोवर। दान घाटी में जो करता दान, उसका होता महाकल्याण। ब्रज की जो परिक्रमा करता, मुरली गदा शंख चक्रधारी। भक्तों के लाज बचाए मुरारी, कृष्ण सदा कल्याण ही करते। खींचे दुशासन दुराचारी, सभा बीच द्रौपदी पुकारी। साड़ी बन कर तन में समाए, शांति संदेश ले पहुँचे मुरारी। दुर्योधन था अति दुराचारी, शांति का संदेश ठुकराया। क्रोधित हो बोले कृष्ण मुरारी, मेरी बात सुनो दुराचारी। याचना नहीं अब तोरण होगा, धर्म की रक्षा करते हैं प्रभु लेकर अवतार। श्री कृष्ण बन कर आए पाप का हरने बार। भाई पर भाई टूटेंगे, महावीर बलबीर जुटेंगे। दुर्योधन जब समझ न पाया, सत्य के संग श्री कृष्ण जी आए। अर्जुन का रथ प्रभु चलाए, बोले अर्जुन ना शस्त्र उठाऊं। अर्जुन की माया तुड़वाए, महाभारत में गीता सुनाए। रूप विराट श्री कृष्ण दिखाए, कृष्ण बोले ना देर लगाओ। जागो वीर गांडीव उठाओ, रण में रण कौशल दिखलाओ। धर्म अधर्म से जब गया हाथ, श्री कृष्ण ने लिया अवतार। धर्म ध्वजा को पकड़े हाथ, गुरु वंश का नाश कराए। पांडवों को प्रभु विजय दिलाए, अधर्मियों का नाश कराए। गीता में कृष्ण ने दिया है ज्ञान, करते रहो कर्म इंसान। कर्म का फल देगा भगवान, आज नहीं तो निश्चय ही कल। कर्मों का तुम्हें मिलेगा ही फल, जैसी करनी वैसी भरनी। गीता का पवित्र उपदेश, मानवता का दे संदेश। गीता है वेदों का सार, जो गीता का पाठ है करते, उनके संकट कृष्ण जी हरते। जो भी करते कृष्ण का जाप, गीता का जो पाठ करे कृष्ण का धर के ध्यान। उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं भगवान। मीरा कृष्ण की दरस दीवानी, सब कुछ अपना गिरधर मानी। छोड़ के जग की दुनियादारी,
मेरा पिराना क्रोध में आया, मीरा को सभा के बीच बुलाया, मीरा को दिया जहर का प्याला, भक्तन को मृत्यु से बचाए, भक्तों कहूँ रक्षक बतलाए, कृष्ण के भक्त पे काल नाए, कृष्ण की प्रेम दीवानी राधा, राधे के बिन श्याम है आधा, राधा के हैं कृष्ण दीवाने, मित्र सुदामा पे आई गरीबी, कृष्ण के थे वो बहुत करीबी, बच्चे भूख के मारे बिलखते, एक दिन कृष्ण के महल पे आए, देख के द्वारपाल घबराए, आए सुदामा सुने संदेश, विप्र सुदामा को गले लगाए, महल में आसन पर बैठाए, मित्र की देख गरीबी रोए, दृश्य देख रुक्मिणी घबराई, मित्र विचित्र देख सकुचाई, प्रेम से प्रभु जी भोग लगाए, प्रभु तो है बस भाव के भूखे, भक्तों के खाते रूखे सूखे, दुष्टों के मेवा नहीं खाते, विप्र सुदामा के दिन लौटाए, रंक को कृष्ण जी राजा बनाए, कृष्ण का जो करता गुणगान, अन धन की बारिश करते, दाता न कृष्ण समान, भक्ति में डूबे भक्त को प्रभु देते वरदान, कृष्ण के संग राधे आदि शक्ति, पल में भक्तों की टाले विपत्ति, नहीं रहती कोई इच्छा अधूरी, कृष्ण नाम का करते जाप, उनके भस्म हो जाते पाप, कृष्ण का कण कण में है निवास, मेवा दुर्योधन की ठुकराए, साग विदुर घर कृष्ण जी खाए, मानव को सही मार्ग दिखाए, श्री कृष्ण सभी सुखों के दाता, तीनों लोक के भाग्य विधाता, जो भी भजते कृष्ण का नाम, सातों सुर मुरली से बजाते, तीनों लोक को नाच नचाते, रोग दुख कष्टों से बचाते, कृष्ण भजन का कर रस पान, सूरदास बन गए विद्वान, पाकर कान्हा से वरदान, कृष्ण का जो करता गुणगान, चमके जग में सूर्य समान, निश दिन धरने से कृष्ण का ध्यान, तुलसी मिश्री दही और मक्खन, श्री कृष्ण को करे जो अर्पण, जग में उसके चमके सितारे, एकादशी जन्माष्टमी का व्रत, खोलता है भक्तों की किस्मत, कृष्ण भजे वो कृष्ण को पाता, कृष्ण की सुने जो अमृत धारा, उसका तरे सकल परिवारा, जय हो मोहन मदन मुरारी, कृष्ण नाम सबसे बड़ा, कोई ना इसका अंत, नमो भगवते वासुदेवाय, जपते ऋषि मुनि संत।
द्रौपदी रो रो तुम्हें पुकारे, कान्हा तुम्हारी बाट निहारे। कब आओगे मेरे श्याम, लाज बचाओगे घनश्याम। हो कब आओगे मेरे श्याम, पति ये पांडव मेरे भूमि नजर गढ़ाए। लुट रही लाज है मेरी कान्हा, कोई न सामने आए। तेरी बहना तेरे सहारे, कान्हा तुम्हारी बाट निहारे। कब आओगे मेरे श्याम, लाज बचाओगे घनश्याम। हो कब आओगे मेरे श्याम। युगों युगों से हो रही कान्हा, क्यों अपमानित नारी। क्या मैं कोई वस्तु मोहन, जुए में गई हारी। लाज मेरी अब हाथ तिहारे, हम तो तेरी बाट निहारे। कब आओगे मेरे श्याम, लाज बचाओगे घनश्याम। हो कब आओगे मेरे श्याम। केश पकड़ कर मेरे दुशासन बीच सभा में लाया। खींच रहा है मेरी साड़ी, कोई न बचाने आया। खींच रहा है मेरी साड़ी, कोई न बचाने आया।
बने बेचारे, गुरुवर द्रोण भी देखो हारे। कब आओगे मेरे श्याम, लाज बचाओगे घनश्याम। कब आओगे मेरे श्याम, कान्हा लीला दिखाए। बिजली कड़के बादल गरजे, कान्हा लीला दिखाए। लाज रखी थी द्रौपदी की, उसको चीर बढ़ाए। लाज रखी थी द्रौपदी की, उसको चीर बढ़ाए। चंदन बहन की लाज बचाए, लीला धर लीला दिखलाए। लाज बचाते हैं घनश्याम, लाज बचाते हैं घनश्याम। श्याम बांसुरी वाले श्याम, मेरी मर्जी
तेरी महिमा बखाने, पर तेरी माया प्रभु तू ही जाने। रवि करता रवि करता तेरा गुणगान, बांसुरी वाले श्याम खीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, भोजन दूध दही को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नी को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। ना दूर रहे तू मुझ
से ना दूर रहूं मैं तुझसे, ना दूर रहे तू मुझसे, ना दूर रहूं मैं तुझसे, सब नजराने ले लूं। मैं सोच रहा हूं अपना घर बरसाने में ले लूं, जब खोलूं घर का द्वारा, जब खोलूं घर का द्वारा, हो जाए दर्श तुम्हारा, हो जाए दर्श तुम्हारा। सुन मीठी मीठी वाणी जब जाए नाम पुकारा, सुन मीठी मीठी वाणी जब जाए नाम पुकारा। जो बने तुम्हारी खातिर, जो बने तुम्हारी खातिर, वो सब खाने में ले लो। मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लो, सच बात कहूँ मैं मन की, सच बात कहूँ मैं मन की, ना चाह रही अनधन की, ना चाह रही अनधन की, रहूँ तुम्हारी शरण में कन्हैया, एक आस यही जीवन की, रहूँ तुम्हारी शरण में कन्हैया, एक आस यही जीवन की। तेरी चरण पादुका अपने, तेरी चरण पादुका अपने, सिरहाने में ले लूं। मैं सोच रहा हूँ अपना घर बरसाने में ले लूं, इस दुनिया में कोई तुझ जैसा मिल पाया ना, धन्य सुदामा गरीबी में भी स्वाभिमान घटाया ना। एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया दोस्ती का मतलब क्या होता है? इस पर कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मित्र सुदामा, दोस्ती तो मतलब से कोसों दूर होती है। जहां दोस्ती होती है वहां मतलब नहीं होता, और जहां मतलब होता है वो दोस्ती नहीं होती। और दोस्तों, इस दुनिया को सच्ची दोस्ती का मतलब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने ही बताया था कि कैसे एक दोस्त के बिना कुछ कहे दूसरा दोस्त उसके अंतर मन की बातें जान जाता है। स्वाभिमानी सुदामा ने कुछ नहीं कहा, मगर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के अंतर मन की बातें जान गए। और इसीलिए तो कहते हैं कि भक्त के अंतर मन की बातें जाने कृपा निधान, दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान।
दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान, भक्त के अंतर मन की बातें, भक्त के अंतर मन की बातें, जाने कृपा निधान दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। गरीबी से बेहाल सुदामा की पत्नी सुशीला एक दिन सुदामा से कहने लगी, देखो जी घर में बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तन ढकने के जो कपड़े हैं वो भी फटते जा रहे हैं। आप कहते हो कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, एक मित्र के राजा रहते हुए दूसरा मित्र अगर दुख झेले तो लानत है ऐसी मित्रता पर। आप अपने दोस्त के पास जाते क्यों नहीं? अरे अगर वो चाहें तो हमारी सारी समस्याएं एक पल में दूर हो जाएंगी। आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी, आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी, मित्र के पास में जाते नहीं हो, हाल क्यों अपना सुनाते नहीं हो, सारी समस्याओं का होगा, सारी समस्याओं का होगा पल में समाधान, दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। पत्नी के ताने सुनकर सुदामा ने आखिरकार द्वारका जाने का निश्चय किया। नंगे पांव, तन पर फटे कपड़े, कमजोर शरीर और हाथ में लाठी लिए सुदामा द्वारकाधीश के महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और खुद को श्री कृष्ण के बचपन का मित्र बताते हुए महल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। द्वारपाल सुदामा को देखकर और उनकी बातें सुनकर चकित हो जाते हैं कि भला एक राजा और एक भिखारी की कैसी दोस्ती। द्वारपाल सुदामा को अंदर जाने से मना कर देते हैं। इस पर सुदामा रो रोकर द्वारपालों से कहते हैं, मेरे भाई तुम कन्हैया को जाकर सिर्फ ये कहना कि उनका बचपन का मित्र आया है, तुम सिर्फ सुदामा नाम बताना, वो मुझे जरूर पहचान जाएंगे, जरूर पहचान जाएंगे। विप्र सुदामा द्वारकाए, द्वारपाल से अरज लगाए, विप्र सुदामा द्वार
लगाए, द्वारपाल से अरज लगाए, जाके कन्हैया को बतला दो, मेरे दिल का हाल सुना दो। सिर्फ सुदामा नाम बताना, सिर्फ सुदामा नाम बताना, जाएंगे पहचान दया के, सागर है भगवान दया के, सागर है भगवान सुदामा की जिद के आगे मजबूर होकर द्वारकाधीश के महल का द्वारपाल कन्हैया के पास सुदामा का संदेश लेकर आता है और अंदर आकर श्री कृष्ण से कहता है, सीस पगा न झगा तन में प्रभु जान, कुआ ही बसै कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपान हकी नहीं सामा, द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक रह्यो, चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव महल के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। महल के सारे लोग यह देखकर चकित हो जाते हैं कि आखिर ये कौन आया है, जिसको देखने के लिए स्वयं द्वारकाधीश दौड़े जा रहे हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार धारा प्रवाह बह रही थी, और बहे भी क्यों ना, आखिर उनके बचपन का मित्र सुदामा जो आया था। कन्हैया महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और सुदामा को सीने से लगाकर भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। अपने संग में सुदामा को महल के अंदर लाते हैं और अपने साथ अपनी बराबरी में सुदामा को बिठाकर अपने आंसुओं से अपने बचपन के मित्र सुदामा के पांव पखारते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, दोस्त हो तो कृष्ण जैसा। द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा जो ही बताया, हो द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा जो ही बताया, नंगे पांव श्री कृष्ण जी धाए, मित्र सुदामा को गले लगाए, असुवन से प्रभु पाम पखारे, असुवन से प्रभु पाम पखारे, मित्र न कृष्ण समान दया के, सागर है भगवान दया के, सागर है भगवान। सुदामा के पांव पखारते हुए श्री कृष्ण उनसे मजाक करते हुए पूछने लगे कि भैया तुम तो आए, भाभी को साथ नहीं लाए, भाभी कैसी हैं भैया? और भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ खाने को भेजा होगा, वो तुम पोटली में क्या छुपा रहे हो भैया? सुदामा की पोटली छीनकर
श्री कृष्ण चावल के दाने खाने लगते हैं। उसके बाद सुदामा से कहते हैं कि भैया, तुम्हें जब कोई परेशानी थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें अपने मित्र कृष्ण पर भरोसा नहीं था? समाने बीत गए भैया, ना तो तुमने मेरी खबर ली, ना ही कभी अपना हाल सुनाया। भैया, तुम्हें देखने को आंखें और तुम्हारे बोल सुनने को कान तरस रहे थे। सुदामा की पोटली से चावल खाते हुए श्री कृष्ण जब पहली मुट्ठी खाए तो एक लोक सुदामा के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरा लोक भी सुदामा को दे दिया, तीसरी मुट्ठी जब उठाए तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ते हुए समझाया, हे स्वामी, क्या आप सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखेंगे? तब हालांकि कृष्ण समझ गए, मगर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, प्रिय, दोस्ती में सिर्फ ये देखना होता है कि मेरा दोस्त कितना खुश है। एक दोस्त को दुखी देखकर दूसरा दोस्त अगर दुखी नहीं होता है तो सच्ची मायने में वो दोस्ती नहीं होती है। जो मेरा है वो सब कुछ मेरे दोस्त का है। संग सुदामा के बैठे कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। संग सुदामा के बैठे कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। क्यों न सुधी मेरी ले पाए, इतने बरस तुम कहाँ बिताए। तुम्हारे दरस को तरसे नैना, तुम्हारे दरस को तरसे नैना। बोल सुनन को कान दया के, सागर है भगवान दया के, सागर है भगवान। दोस्तों, इसीलिए आज भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को दुनिया बड़े सम्मान से याद करती है। दुनिया में आज भी जब भी कभी दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे ऊपर आता है कि कैसे एक दोस्त गरीब था, दूसरा दोस्त राजा था, मगर दोनों ने ऐसी दोस्ती निभाई कि दुनिया आज भी याद करती है।